तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप एकदम बढ़िया होंगे। अभी हमारे सामने देख सकते हैं कि ऑल न्यू SP 160 का ये गाड़ी लगा हुआ है। और भाई पता है, ये बहुत सभी गाड़ियों का हाइब्रिड मिलाकर बनाया हुआ है। क्या कुछ हाइब्रिड है वो मैं आपको चेकआउट कराता हूँ। सबसे पहले आप चेक करो, SP 125 cc का पार्ट्स मिलेगा आपको। यहाँ पर 160 cc का ये जो गाड़ी है इसमें आपको SP 125 का पार्ट्स मिलता है, यूनिकॉर्न का इंजन और चेसी मिलता है। यूनिकॉर्न का ये जो इंजन देख रहे हो, ये सेम एज इट इज आपको यूनिकॉर्न का मिलता है और चेसी मिलता है, ठीक है। एक्सब्लेड का टायर मिलता है, एक्सब्लेड का फ्रंट और रियर का जो टायर है वो दोनों एक्सब्लेड का मिलता है। हॉर्नेट का आपको यहाँ पे देख रहे हो, हैंडल बार मिलता है। ये देखोगे आप, हैंडल बार एकदम हॉर्नेट का मिलता है। इसके साथ साथ डिस्क जो है ना वो CV 300F का मिलता है। डिस्क ब्रेक जो आप देख रहे हो दोनों साइड में, वो CV 300F का मिलता है। और मीटर कंसोल आप देखोगे यहाँ पे CV 300F का मिलता है। तो भाई इन सभी गाड़ियों को मिलाकर होंडा ने दोबारा से लॉन्च कर दिया है SP 160, जो कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा धूम मचाने वाली है। क्या कुछ फीचर आ जाते हैं इस गाड़ी में, क्या ऑन रोड प्राइस है, क्या टॉप स्पीड है। हाँ, एक और चीज़ ना भाई, अगर सिंगल डिस्क ब्रेक में अगर आप खरीदते हो तो मैं प्राइस सबसे पहले बताता हूँ, 1,47,000 हमारे यहाँ झारखंड में ऑन रोड प्राइस है। और अगर आप डबल डिस्क ब्रेक विद सिंगल चैनल ABS के साथ खरीदते हो, यानी टॉप मॉडल को खरीदते हो, तो 1,53,000 के आसपास इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस हमारे यहाँ झारखंड में देखने को मिलेगा। चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं, बताते हैं क्या कुछ खास मिलता है, इंजन में क्या चीज़ फीचर्स है और क्या फीचर्स एड ऑन हुए हैं, कौन कौन से बेस्ट फीचर्स हैं, मीटर कंसोल में क्या कुछ दिया हुआ है, सभी कुछ इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले गाड़ी के वाइजर सेक्शन से। तो वाइजर सेक्शन के पास आप यहाँ पे देखोगे कि कुछ इस टाइप के आपको यहाँ पे इसके वाइजर सेक्शन देखने को मिलते हैं। डुअल कलर टोन के साथ मिलता है, यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक मिलता है और यहाँ पे आपको ग्रे में थोड़ा सा मिलता है, मैट ग्रे के साथ मिलता है। इसके साथ साथ हेडलाइट की बात कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे देखो फुल्ली LED के सेटअप में इसका आपको फ्रंट का हेडलाइट देखने को मिलता है, जो कि दो है। आप यहाँ पे जैसी पास का लाइट जलाओगे तो हाई बीम और लो बीम आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। और बल्ब में इसका टर्न इंडिकेटर देखने को मिलता है, जो कि नॉन फ्लेक्सिबल टाइप का देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ बात करते हैं यहाँ पे इसके फ्रंट के सस्पेंशन की। तो यहाँ पे इसका जो फ्रंट का सस्पेंशन आप देख रहे हो, ये आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक टाइप का आपको फ्रंट का सस्पेंशन मिलता है। लेकिन भाई एक और चीज़ मेरे को क्या अच्छा नहीं लगता ना, 160 cc के गाड़ी के मुकाबले इसका जो फ्रंट का जो टेलीस्कोपिक टाइप का सस्पेंशन है ना, इसका ये जो डायमेंशन है ना, ये कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा सा कम लगता है। जो बात है सो भाई क्लियर, SP 160 के अकॉर्डिंग इसका ये फ्रंट का सस्पेंशन थोड़ा सा कम लगता है। USD दे देना चाहिए था ऑलमोस्ट कंपनी को। इसके साथ साथ आपको फ्रंट में सिंगल चैनल ABS मिलता है, ABS का लोगो मिलता है। यहाँ पे आप देखोगे 276 mm का आपको यहाँ पे इसका ब्रेक डायमीटर भी देखने को मिलता है, डिस्क ब्रेक के साथ में मिलता है, सिंगल चैनल ABS यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे आपको बाइब्रेक के कैलिपर्स नहीं मिलते हैं, नीन के कैलिपर्स आपको यहाँ पे ब्रेक कैलिपर्स मिलते हैं, जो कि ये भी काफ़ी सही होते हैं। आपको यहाँ पे देख रहे होगे MRF का कंपनी टायर यूज़ करती है। इसके साथ साथ टायर की सेक्शन की बात करें तो 80x100 सेक्शन के 17 inch के अलॉयज के साथ आपको यहाँ पे इसका फ्रंट का कंपनी टायर साइज भी ऑफर कर देती है। इसके साथ साथ भाई यूनिकॉर्न 160 का कंफर्ट मिलता है। कंफर्ट के मामले में आपको ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाली है, और ऑलमोस्ट पार्ट जितने भी है ना वो आपको यूनिकॉर्न 160 से मिलते जुलते मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इसके इंजन के बारे में। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपको हॉर्नेट और यूनिकॉर्न में जो इंजन कंपनी ने लगाया है वही इंजन आपको यहाँ भी कंपनी ऑफर करती है। 160 cc का इंजन मिलता है, जिसकी मैक्सिमम पावर की मैं बात करूँ तो 13.4 PS की मैक्सिमम पावर मिलती है। और टॉर्क की बात करें तो 14.5 Nm की मैक्सिमम टॉर्क मिलती है। इन्होंने क्रॉस कटिंग नहीं किया है, यहाँ पे आपको किक भी मिलता है। जनरली गाड़ियों में देखते होंगे ना, कंपनी क्रॉस कटिंग करने के चक्कर में क्या करती है कि किक को हटा देता है, तो यहाँ पे कंपनी ने किक को नहीं हटाया है, सेल्फ तो दिया ही दिया हुआ है। BS6 की गाड़ी है तो कैटेलिटिक कन्वर्टर मिलता है। यहाँ पे देखोगे तो इंजन गार्ड मिलता है, जो कि फाइबर बॉडी में आपको यहाँ पे इसका इंजन गार्ड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चेसी की बात करें तो चेसी आप देख सकते हो यूनिकॉर्न के ही जैसा बिल्ड क्वालिटी के साथ आपको यहाँ पे इसका चेसी मिलता है। इंटीरियर में देख सकते हो कुछ इस टाइप के सारे चीज़ कंसोल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इंजन का जो हेड है वो आपको उठा हुआ मिलता है, लेटा हुआ नहीं मिलता है। बैटरी पैनल के पास देखोगे तो SP का यहाँ पे क्रोम के ट्रीटमेंट में लोगो मिलता है। यहाँ पे आपको फाइबर बॉडी में कुछ यहाँ पे मिलेगा। बाकी एग्जॉस्ट पाइप की पास बात करें तो हाँ, यहाँ पे इसका जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी का कंपनी ने यूज़ किया है। रियर सेक्शन के टायर की बात कर ले तो यहाँ पे आपको 130x70 का 17 inch का आपको इसका रियर का टायर साइज मिलता है। यानी चौड़ाई की बात करें तो 130 mm की इसकी ये मोटाई जो देख रहे हो ना, ये आपको 130 mm की इसकी मोटाई देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी सही है। आप अगर रोड में जिगजैग टाइप से भी चलाते हो तो कहीं भी गाड़ी आपका स्लिपरी नहीं होता है। इसके साथ साथ 270 mm की आपको यहाँ पे इसके रियर में डिस्क ब्रेक के डायमीटर देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ रियर की सस्पेंशन की बात करें तो 5-स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक टाइप का आपको यहाँ पे रियर में सस्पेंशन देखने को मिलता है। सीट कवर के नीचे देखोगे तो 160 का लोगो मिलता है, आपको यहाँ पे दोनों टाइप में ग्राफिक्स देखने को मिलता है। पीछे का कुछ ये लुक हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ग्रैब हैंडल की बात करें तो सिंगल टाइप में आपको यहाँ पे इसका
क्रैप हैंडल देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ लेडीज साइड गार्ड आपको यहाँ पे मिलता है जो कि मेटल का मिलता है। चैन कवर की बात कर ले तो चैन कवर भी आपको फाइबर बॉडी में ही मिलता है। ये देखिए चैन का कुछ ये मोटाई हो गया आपको। और यहाँ पर टायर का इन्फॉर्मेटिव ड्राइव चेन मिलता है जिसमें आपको पता चलेगा यहाँ हवा कितना PSI रखना है, क्या करना है, सारा कुछ यहाँ पे करना है। और हाँ भाई, गलती से भी यहाँ पे पेट्रोल का यूज़ मत करना है। इस चीज़ पे बहुत लोग क्या कहते हैं, इसको स्लिपरी बनाने के लिए पेट्रोल का यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ एकदम आप भूल कर भी मत करना। इसके साथ साथ आपको सीट का आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से खुलता है, जैसा कि मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिएगा ज़रा यहाँ पे, आप एक बार चेकआउट करिएगा यहाँ पे। ये फ़िलहाल अभी एक हाथ से भाई फ़ोन पकड़े हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, अभी मैं आपको दिखाऊँगा लास्ट में, ठीक है। इसके साथ साथ फुट स्टेप की बात करें तो फुट स्टेप आपको यहाँ पर रबर में मिलता है विद साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ मिलता है ये गाड़ी में। आप यहाँ पे देखोगे कि साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ के साथ मिलता है। टोटल 5-स्पीड टॉप गियर बॉक्स के साथ गाड़ी मिलता है। इसके साथ साथ होंडा का एक बैज मिल जाता है। इस साइड से भी देखोगे तो काफ़ी शानदार मिलेगा। वहीं मैं बात कर देता हूँ उसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की, तो 12 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी देखने को मिलती है। E20 के लोगों के साथ मिलता है। और भाई ये जो चीज़ है ना, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे मस्कुलर देखने को मिलता है। यहाँ पे फ्यूल टैंक के पास देखोगे तो ये जो लुक है ना, यहाँ से आपको थोड़ा सा मस्कुलर देखने को मिलता है। होंडा का बैज मिलता है, 12 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिल जाती है। इसके साथ साथ आपको मैं यहाँ पे इसका मीटर कंसोल एक बार चेकआउट कराता हूँ। तो ज़रा यहाँ पे देखना आप मीटर कंसोल, ये देखो मीटर कंसोल। यहाँ पे आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ RPM आपको कुछ ये क्लासिक वे में लगाया गया है। फ्यूल गेज आपको यहाँ मिलता है, स्पीडोमीटर ऑडोमीटर आपको यहाँ मिलता है, एवरेज आपको यहाँ में मिलेगा, टाइमिंग यहाँ मिलता है, न्यूट्रल यहाँ पे शो करता है, टर्न इंडिकेटर का ABS का लोगो मिलता है और सेट करने का ऑप्शन आपको यहाँ से मिलता है। ये इस चीज़ से आप यहाँ पे देख रहे हो एवरेज बैटरी का एवरेज किलोमीटर पर लीटर इनके आसपास इसका माइलेज, तो अभी तो माइलेज तो भाई क्या ही देगा, 0.5 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है। बाकी सारा कुछ आपको यहाँ पे इसके डिजिटल मीटर कंसोल में देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड में बात कर रहे हुए तो आपको यहाँ पे पास लाइट मिलता है, हाई बीम लो बीम मिलता है, टर्न इंडिकेटर और हॉर्न। इसके साथ साथ रेड कलर में इंजन किल स्विच मिलता है स्टॉप का। और इसके बाद भाई यहाँ पे आप देखोगे तो हजार्ड लाइट का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ सेल्फ एक बार आपको सुनाते हैं इस गाड़ी का। ये देखिए इसका नॉर्मल साउंड है, ये है इस गाड़ी का नॉर्मल साउंड। एग्जॉस्ट को बढ़ाते हैं, एग्जॉस्ट को बढ़ाने के बाद आपको कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पे इसका साउंड भी देखने को मिलेगा जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए आपको सबसे पहले यहाँ से इसका सीट दिखाते हैं, तो सीट देख सकते हैं आप कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको कोई डॉक्यूमेंट रखने के लिए नहीं मिलता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कुछ हाँ मोबिलिटी किट विट टाइप से यहाँ पे थोड़ा सा एड बॉक्स टाइप से मिलता है, यहाँ पे आप अपना कुछ सामान वामान रख सकते हो। तो ये है भाई होंडा SP160 का सीट और ये गाड़ी। तो आपको कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं फिर से एक बार इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस क्या होने वाली है, लेकिन इससे पहले आपको मैं बता देता हूँ इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको 177 mm के आसपास इसका ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। कर्व वेट की बात करें तो 141 kg के आसपास इस गाड़ी का कर्व वेट देखने को मिलता है। और सीट हाइट की बात करें तो 769 mm के आसपास इस गाड़ी का सीट हाइट भी देखने को मिल जाता है। वहीं प्राइस की बात करें तो 1,47,000 के आसपास अगर आप खरीदते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल डिस्क में मिलता है, पीछे में डिस्क नहीं मिलता है। लेकिन आप वहीं 1,53,000 के आसपास खरीदते हो तो आपको डुअल डिस्क के साथ सिंगल चैनल ABS के साथ गाड़ी मिलता है, यानी गाड़ी टॉप मॉडल मिलेगा। तो ये था भाई वीडियो। बाकी माइलेज की बात करें तो 160 cc का गाड़ी है, तो एटलीस्ट आपको 45-50 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से ये गाड़ी माइलेज देने वाली है। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।